अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये मैं अभी लेकर आया हूँ मेरे दोस्तों, ये पैकेट बच्चों के लिए ईद के हवाले से। और आज 20 तारीख है, 2:00 लगभग 50 मिनट हो रहे हैं। तो एक अवेयरनेस आपको देना चाह रहा था, जो ये मेरे साथ सीन हुआ। ये मैंने पैकेट लिया है, सीरियल नंबर तकरीबन सब सेम ही है, और मैं पैकेट अभी बना ही रहा था तो मुझे एक चीज़ इसमें नज़र आई। तो लिहाजा जब आप लोग भी इंशाल्लाह ताला अपने बच्चों के लिए लेंगे तो ये एक दफ़ा कहीं से भी, चाहे बैंक से लें या जो ये मार्केट में बेच रहे होते हैं वहाँ से लें, तो एक दफ़ा जो है ना, ज़रा नोटों को ज़रूर चेक कर लें। अब ये देखें, ये पैकेट के अंदर से ये नोट निकला है, ठीक है। इसके अंदर ना इसमें सीरियल नंबर डला हुआ है, बाकी से नोट ओरिजिनल है या गलती हुई है बैंक वालों से या स्टेट जहाँ पे ये नोट प्रिंट होते हैं, ठीक है। ये एक नोट, फिर इसके बाद एक ये नोट निकला, ये भी इसके ऊपर एक लाइन है, बाय मिस्टेक हुई होगी यकीनन, क्योंकि मैंने तो गुमान अच्छा किया हुआ है कि ये मेरे साथ चीटिंग नहीं हुई है, ये बाय मिस्टेक हुई है। क्योंकि ये देखें, ये इस नोट पे थोड़ी सी आगे है और इस नोट पे थोड़ी सी पीछे है। तो एक नोट ये, एक नोट ये, फिर एक नोट एक और आ जाता है बीच में, फिर एक नोट छोड़ के फिर एक और आ जाता है, फिर एक नोट छोड़ के फिर एक और आ जाता है। ये तकरीबन 7 या 6 नोट ऐसे निकले हैं जो बिल्कुल मतलब इस्तेमाल नहीं हो सकते। अब जब ये पैकेट पैक होता है तो काउंटिंग के लिए सिर्फ ऐसे ही मतलब जल्दबाजी में सीरियल को देखा जाता है, तो इसमें जो है ना पता नहीं चलता कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि जब आप लोग ये पैकेट बाय करें या किसी से लें, तो आप जो है ना इस चीज़ को ज़रूर देख लें कि आपके साथ ऐसा कोई नोट बीच में ना आ जाए लग के, जो कि आपके लिए नुकसान का बाइस बने। अस्सलामुअलैकुम।